नमस्कार, मैं हूं तबांजलि मोइत्रा। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद से ही सियासी ड्रामा जारी है। बीजेपी ने विपक्ष में बैठने का ऐलान कर पहले ही खुद को इस सियासी ड्रामे से दूर कर लिया, तो वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी पिछले 3 हफ्ते से आपस में खिचड़ी पका रहे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना सके। पल पल बदलती महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। अभी तक यही लग रहा था कि सोमवार को सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच हुई मुलाकात के बाद पिक्चर साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब एनसीपी चीफ शरद पवार बुधवार को पीएम मोदी से मिलने जा रहे हैं। ये मुलाकात तो हालांकि किसानों के मुद्दे पर होनी है, लेकिन महाराष्ट्र के सियासी हालात पर चर्चा ना हो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मोदी और पवार की इस मुलाकात पर शिवसेना ने भी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। अभी तक 170 विधायकों के समर्थन का दावा करने के साथ ही सरकार बनाने का दावा करने वाले पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है, क्या प्रधानमंत्री से अगर कोई मिलता है तो खिचड़ी पकती है क्या? प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, महाराष्ट्र में किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं और पवार साहब और उद्धव साहब हमेशा किसानों के बारे में सोचते हैं। शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में जुटे पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने एक बार फिर कहा, सरकार बनाने की प्रक्रिया अगले 5-6 दिनों में पूरी हो जाएगी और दिसंबर से पहले महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय और मजबूत सरकार का गठन किया जाएगा, प्रक्रिया चल रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने शरद पवार और मोदी की मुलाकात पर कहा, महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दे को लेकर शरद पवार आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। हम प्रधानमंत्री से किसानों के लिए कुछ राहत की मांग करेंगे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर हो रही बैठक दर बैठक पर अब सोशल मीडिया पर भी लोग मजे लेने लगे। ट्विटर यूजर विकास कुमार ने लिखा, ये गेम तो और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ट्विटर यूजर राजन गुप्ता ने लिखा, कहीं बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार न बना ले। ट्विटर यूजर अयाज अहमद खान ने पूछा, क्या बीजेपी और एनसीपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है? ट्विटर यूजर वायु ने लिखा, पवार साहब करते करते तुम्हारा पावर अब चला गया है हमेशा के लिए, शॉकिंग पॉलिटिकल सुसाइड फ्रॉम शिवसेना। मोदी और पवार की इस मुलाकात को लेकर शिवसेना एनसीपी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की चर्चाएं हैं कि कहीं बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार ना बना ले। इससे पहले सोमवार को ही पीएम मोदी ने भरी संसद में शरद पवार की पार्टी एनसीपी की तारीफ कर अटकलों को और बल दिया। राज्यसभा के 250वें सत्र में पीएम मोदी ने कहा था कि बाकी पार्टियों को एनसीपी से सीखने की जरूरत है। फिलहाल इस बात से मुलाकात के दौर के बीच आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी को मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। सभापति जी, आप जब बहुत ही आर्टिकुलेट वे में दो अलग अलग घटनाओं को जोड़ करके अभी प्रस्तुत कर रहे थे, मुझे जरूर लगता है कि देश में जो लोग लेखन के शौकीन है वे जरूर इस पर अब गौर करेंगे, लिखेंगे कि ये 250 सत्र, ये अपने आप में समय व्यतीत हुआ ऐसा नहीं है, एक विचार यात्रा भी रही है। जैसा आपने कहा कि कभी एक बिल ऐसा आया था तो जाते जाते उसी के बिल्कुल अलग सा नया बिल इस प्रकार से आया, समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई और इस सदन ने बदली हुई परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए अपने को ढालने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए सदन के सभी सदस्य जिन्होंने तब तक काम किया वो बधाई के पात्र हैं, वरना किसी को लग सकता है भाई 20 साल पहले मैंने तो ये स्टैंड लिया था, अब मैं कैसे स्टैंड कैसे बदल सकता हूँ। लेकिन आपने जिस प्रकार से आर्टिकुलेट करके इस बात को प्रस्तुत किया वे हमारी विचार यात्रा का प्रतिबिंब है, भारत की विकास यात्रा का प्रतिबिंब है और वैश्विक परिवेश में भारत किस प्रकार से नई नई बातों को लीड करने का सामर्थ्य रखता है उसका उसमें प्रतिबिंब है और ये काम इस सदन से हुआ है, इसलिए सदन अपने आप में गौरव अनुभव करता है। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनने का और इसमें शरीक होने का मुझे अवसर मिला है। ये साफ कह सकते हैं हम कि कभी चर्चा चल रही थी
संविधान निर्माताओं के बीच में कि सदन एक हो या दो हो, लेकिन अनुभव कहता है कि संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था दी वो कितनी उपयुक्त रही है और कितना बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया है। अगर निचला सदन जमीन से जुड़ा हुआ है तो ऊपला सदन दूर तक देख सकता है, और इस प्रकार से भारत की विकास यात्रा में निचले सदन से जमीन से जुड़ी हुई तत्कालीन चीजों का अगर प्रतिबिंब व्यक्त होता है तो यहाँ बैठे हुए महानुभावों से, क्योंकि ऊपर है, ऊपर वाला जरा दूर का देख सकता है, तो दूर दृष्टि का भी अनुभव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन हमारे दोनों सदनों से हमको देखने को मिलता है। इस सदन ने कई ऐतिहासिक पल देखे हैं, इतिहास बनाया भी है और बनते हुए इतिहास को देखा भी है, और जरूरत पड़ने पर उस इतिहास को मोड़ने में भी इस सदन ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। उसी प्रकार से इस देश के गणमान्य दिग्गज महापुरुषों ने इस सदन का नेतृत्व किया है, इस सदन में सहभागिता की है, और इसके कारण हमारे देश की इस विकास यात्रा को, और आज़ादी के बाद के बहुत सी चीज़ें गढ़नी थी, अब तो 50-60 साल के बाद बहुत सी चीज़ें शेप ले लिया है, लेकिन वो शुरुआत काल में फियर ऑफ अननोन से हमें गुजरना पड़ता था। उस समय जिस मैच्योरिटी के साथ सबने नेतृत्व किया है, दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सभापति जी, ये सदन की बड़ी विशेषता है और दो पहलू खास है। एक तो उसका स्थायित्व, परमानेंट कहें या इटर्नल कहें, और दूसरा है विविधता, डाइवर्सिटी। स्थायित्व इसलिए है, इटर्नल इसलिए है कि लोकसभा तो भंग होती है, इसका जन्म हुआ अब तक कभी इसको न भंग हुई है न भंग होना है, यानी ये इटर्नल है। लोग आएंगे जाएंगे लेकिन ये व्यवस्था इटर्नल रहती है, ये अपनी उसकी एक विशेषता है। और दूसरा है विविधता, क्योंकि यहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राथमिकता है, एक प्रकार से भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा यहाँ पर हर पल हमें प्रेरित करती है। भारत की विविधता, भारत की अनेकता के एकता के जो सूत्र है, उसकी सबसे बड़ी ताकत इस सदन में नजर आती है, और वो समय समय पर ये रिफ्लेक्ट भी होती रहती है। उसी प्रकार से उन विविधताओं के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तब इस सदन का एक और लाभ भी है कि हर किसी के लिए चुनावी अखाड़ा पार करना बहुत सरल नहीं होता है, लेकिन देश हित में उनकी उपयोगिता कम नहीं होती है, उनका अनुभव, उनका सामर्थ्य उतना ही मूल्यवान होता है। तो ये एक ऐसी जगह है कि जहां इस प्रकार के सामर्थ्यवान महानुभाव, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुभवी लोग, उनका लाभ देश के राजनीतिक जीवन को, देश के नीति निर्धारण के अंदर उनका बहुत बड़ा लाभ मिलता है और समय समय में मिला है। वैज्ञानिक हो, खेल जगत के लोग हो, कला जगत के लोग हो, कलम के धनी हो, ऐसे अनेक महानुभावों का लाभ, जिनके लिए चुनावी अखाड़े से निकल करके आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस व्यवस्था के कारण हमारी बौद्धिक संपदा का भी एक रिचनेस हमें इसे प्राप्त हुई है। और इन 250 सत्रों में, और मैं मानता हूं इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबा साहब आंबेडकर स्वयं है, क्योंकि किसी न किसी कारण से उनको लोकसभा में पहुंचने नहीं दिया गया, लेकिन यही तो राज्यसभा थी जहां बाबा साहब आंबेडकर के कारण देश को बहुत लाभ मिला, और इसलिए हम इस बात का गर्व करते हैं
कि ये सदन है जहाँ से देश को बाबा साहब आम्बेडकर जैसे अनेक महापुरुषों का हमें बहुत ही लाभ मिला।